देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईद की खुशी आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। ईद उल फितर के इस खास मौके पर देश भर में लोगों ने सुबह नमाज पढ़ी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जहां दिल्ली में ईद के अवसर पर मौसम में थोड़ी राहत है, तो वहीं मुंबई में लोगों ने भारी बरसात के बीच ईद की नमाज पढ़ी। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी। दोनों ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी और साथ ही समाज में भाईचारे को बढ़ाने की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि ईद उल फितर के पाक मौके पर मैं सभी नागरिकों और विशेष रूप से देश और विदेश में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा कि ईद का पर्व हमें भाईचारा और समाज में एक साथ रहने की प्रेरणा देता है। रोजेदारों की इबादत के बाद पवित्र रमजान महीने का समापन उत्सव मनाने का अवसर है। मैं कामना करता हूं कि इस अवसर पर हमारे समाज में भाईचारा और आपसी समझ बढ़े। देश में सुबह होते ही ईद की नमाज की तैयारी शुरू हो गई और लोग नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। ईद को लेकर लोगों का उत्साह आसमान छू रहा है। हालांकि चांद की नजर न आने के कारण शुक्रवार को ईद नहीं हो सकी, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि हिजरी कैलेंडर के अनुसार ईद साल में दो बार आती है। एक ईद होती है ईद उल फितर और दूसरी ईद उल जुहा। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, जबकि ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।